नमस्कार, मैं हनुमत सिंह लोधी, भूगर्भशास्त्र विभाग, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। आज हम गोंडवाना सुपर ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। गोंडवाना सुपर ग्रुप में ये देखना है कि गोंडवाना सुपर ग्रुप क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसकी लिथोलॉजी क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर गोंडवाना सुपर ग्रुप के अंतर्गत पाए गए, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, और इसके साथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। गोंडवाना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गोंडवाना सुपर ग्रुप, टर्म गोंडवाना सर्वप्रथम एच वी मेडलीकॉट नामक साइंटिस्ट ने 1872 में दिया। गोंडवाना की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई इसके बारे में जानते हैं। जो गोंडवाना नाम है, यह मध्य प्रदेश की गोंड ट्राइब के नाम पर ही इसका नाम गोंडवाना सुपर ग्रुप पड़ा है। गोंडवाना की जो एज है, अपर कार्बोनिफेरस टू लोअर क्रिटेशियस इसकी एज मानी गई है। व्हाट इज गोंडवाना, गोंडवाना क्या है, हम गोंडवाना के बारे में देखेंगे। गोंडवाना क्या है, गोंडवाना की ओरिजिन कैसे हुआ है। हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं आपस में एक दूसरे से दूर दूर स्थिति में हैं, और यदि हम इनको देखते हैं आपस में, इनको मिलाया जाए तो वो सटीक ठीक बैठते हैं जैसे कि वो पूर्व की स्थिति में थे। जैसे हम देखते हैं 350 ईसा पूर्व में सारे कॉन्टिनेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब जुड़े हुए सारे कॉन्टिनेंट को एक नाम दिया गया, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे पेंजिया कहा जाता है। पेंजिया के चारों ओर ओशियंस के द्वारा घिरा हुआ भाग पेंथा लासा कहलाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जब हमारे पेंजिया का विभाजन हुआ तो एक भाग ऊपर की ओर उत्तर की ओर, दूसरा भाग दक्षिण की ओर मूवमेंट करने लगा। दक्षिण की ओर वाला भाग जो हम देख रहे हैं उसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं, और ऊपर की ओर वाले भाग को हम अंगारा लैंड अर्थात लॉरेंसिया कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं गोंडवाना का जब विभाजन हुआ तो सारी प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाने लगी। जब सारी प्लेट एक दूसरे से दूर जाने लगी तो इंडियन प्लेट जो थी उसकी स्थिति दक्षिण अफ्रीका के जस्ट नज़दीक थी, और वह एक दूसरे से दूर गई। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जाती हैं तो कहीं ना कहीं किसी प्लेट से टकराएंगी। वह प्लेट, इंडियन प्लेट, जाकर एशिया प्लेट से टकरा जाती है। जो भी प्लेट भारी होती है वो हल्की प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, और हल्की प्लेट मुड़ जाती है, फोल्डेड हो जाती है, जिससे फोल्डेड माउंटेन अर्थात पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जो हमारा हिमालयन रीजन है वो फोल्डेड माउंटेन का ही बहुत अच्छा उदाहरण है। डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करें कि इंडिया में जो गोंडवाना का है डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरली रूप से दो ही भाग में पाया जाता है। पहला सेंट्रल पार्ट, जिसे पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है, इसमें मेजरली यदि हम देखते हैं तो तीन ही ट्रैक इसमें दिखाई देते हैं। नंबर एक, पहला जो ट्रैक है इसके अलोंग हम देखते हैं नर्मदा सोन दामोदर वैली के अलोंग, दूसरा जो ट्रैक है यह महानदी वैली के अलोंग है, और तीसरा जो है गोदावरी वर्धा वैली के अलोंग पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया है उसमें जो हिमालयन रीजन है इसमें भी गोंडवाना रॉक पाई जाती हैं, जैसे कि आसाम, कश्मीर रीजन, अरुणाचल प्रदेश, और इसके बाद कुछ मात्रा में राजस्थान, जैसे कि कोटा और कच्छ आप गुजरात में भी गोंडवाना रॉक पाई जाती है। नेक्स्ट, स्टेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन ऑफ गोंडवाना सुपर ग्रुप। गोंडवाना सुपर ग्रुप का जो स्टेटिग्राफिक क्लासिफिकेशन है वह बेसिक रूप से उसकी लिथोलॉजी और पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर मुख्य रूप से गोंडवाना सुपर ग्रुप को दो मेजर सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला टू फोल्ड क्लासिफिकेशन कहलाता है, जो कि C.S. फॉक्स नामक साइंटिस्ट द्वारा और GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एडॉप्ट किया गया। टू फोल्ड क्लासिफिकेशन में जैसे कि हम देखते हैं गोंडवाना सुपर ग्रुप के दो डिवीज़न हैं, एक तो लोअर गोंडवाना सुपर ग्रुप, दूसरा अपर गोंडवाना सुपर ग्रुप। लोअर गोंडवाना सुपर ग्रुप जिसमें हम देखते हैं मुख्य रूप से तीन सीरेज होती हैं, तालचीर, दामोदा और पंचेत। इसमें हम देखते हैं विशेष प्रकार के प्लांट फॉसिल पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लासोप टेरेस फ्लोरा। ग्लासोप टेरेस फ्लोरा के अंतर्गत हमने देखे काफ़ी सारे फॉसिल आते हैं, ग्लासोप टेरेस, गैंगमोप टेरेस, बल्टीवेरेरिया जैसे फॉसिल आते हैं। यदि हम इसकी लिथोलॉजी की बात करते हैं तो इसकी लिथोलॉजी में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। क्लाइमेटिक कंडीशन की यदि हम बात करते हैं तो
क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज हो जाती है। तालचीर में यदि हम देखते हैं तो ग्लेशियर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, दामोदर में जाते हैं तो सब ह्यूमिक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, और पंचेत में देखते हैं तो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। इस प्रकार से लोअर गोंडवाना कंप्लीट हो जाता है। लोअर गोंडवाना को अपर गोंडवाना से यदि हम सेपरेट करते हैं तो एक अनकन्फर्मिटी के द्वारा लोअर गोंडवाना को अपर गोंडवाना से सेपरेट किया गया है। अपर गोंडवाना में यदि हम देखते हैं तो मुख्य रूप से चार सीरेज होती है, महादेव सीरेज, राजमहल, जबलपुर एंड उमिया सीरेज। महादेव जो कि दो फार्मेशन में विभक्त किया गया है, मलेरी और पचमढ़ी। पचमढ़ी में यदि हम बात करते हैं, जो पचमढ़ी फार्मेशन है वो जनरली हमारे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रीजन की पचमढ़ी हिल्स के नियर ये फार्मेशन पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पचमढ़ी फार्मेशन कहते हैं। दूसरा होता है मलेरी फार्मेशन। मलेरी फार्मेशन, इस फार्मेशन के अंदर विभिन्न प्रकार की लिथोलॉजी मिलती है, तो महादेव ग्रुप के अंदर दो ही फार्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है राजमहल सीरेज। राजमहल सीरेज के अंतर्गत दो फार्मेशन होते हैं, कोटा और राजमहल। राजमहल में जनरली हम देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की इग्नियस एक्टिविटी, लावा फ्लो होता है जो कि सेडिमेंटरी रॉक के साथ एफिलेटेड हो जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इंटरटेपियन बेड कहते हैं। दूसरा होता है कोटा फार्मेशन, जो कि राजस्थान के कोटा वाले रीजन में यह इस प्रकार का फार्मेशन फैला हुआ है। नेक्स्ट होता है जबलपुर रीजन। जबलपुर रीजन में यदि हम देखें तो मुख्य रूप से चौगुन फार्मेशन और जबलपुर फार्मेशन देखने को मिलते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की लिथोलॉजी मिलती है। लास्ट होता है उमिया फार्मेशन। उमिया फार्मेशन में विभिन्न प्रकार की लिथोलॉजी होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो अपर गोंडवाना के ये सारे फार्मेशन को किस प्रकार से विभक्त किया गया है, क्या इसकी लिथोलॉजी है, किस प्रकार के प्लांट फॉसिल मिलते हैं। यदि हम देखते हैं अपर गोंडवाना में तो विशेष प्रकार का फॉसिल मिलता है, जिसे टिल्लोफाइलम फ्लोरा कहा जाता है। टिल्लोफाइलम फ्लोरा के अंतर्गत कॉनिफर्स और साइकेट्स जैसे प्लांट फॉसिल आते हैं। इसमें हम देखते हैं तो पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। नेक्स्ट, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो यह जो क्लासिफिकेशन है, यह मुख्य रूप से मेजरली स्टेटिग्राफिक एविडेंस के आधार पर गोंडवाना सुपर ग्रुप को तीन भाग में डिवाइड किया गया है, लोअर गोंडवाना, नेक्स्ट मिडिल गोंडवाना और उसके ऊपर वाला अपर गोंडवाना। तो लोअर गोंडवाना में सबसे पहले हम देखते हैं दो ही सीरेज होती है, तालचीर दामोदर सीरेज। जैसे कि हम देखते हैं तालचीर की जो एज है, अपर कार्बोनिफेरस टू लोअर परमियन इसकी एज मानी गई है। दामोदर में यदि हम देखते हैं तो उसकी जो एज है, परमियन एज है। नेक्स्ट जो होता है कि मिडिल गोंडवाना में मुख्य रूप से दो सीरेज होती हैं, पंचेत सीरेज और महादेव सीरेज। पंचेत सीरेज की यदि हम बात करें तो उसकी जो एज है मिडिल ट्रायसिक है, और महादेव सीरेज की जो एज है अपर ट्रायसिक एज है। नेक्स्ट होता है अपर गोंडवाना। अपर गोंडवाना में मुख्य रूप से तीन सीरेज हैं, राजमहल सीरेज, जबलपुर सीरेज एंड उमिया सीरेज। यदि हम देखते हैं तो ओवरऑल इसमें ट्रायसिक से लेके लोअर क्रिटेशियस तक इसकी एज जाती है। तीनों में यदि हमने देखा तो लिथोलॉजिकल वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है और क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज है। जैसे हमने देखा लोअर गोंडवाना में तालचीर और दामोदर के यदि हम फार्मेशन देखते हैं तो इसमें जो फॉसिल असेंबलेज हैं, ग्लासोप टेरेस और गैंगमोप टेरेस फ्लोरा इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ग्लासोप टेरेस फ्लोरा के साथ साथ यदि हम देखते हैं कि मिडिल गोंडवाना में जाते हैं तो वो फ्लोरा चेंज हो जाता है, वहाँ ग्लासोप टेरेस नहीं मिलता है, वहाँ डिक्रोडियम फ्लोरा मिलता है जो कि मिडिल गोंडवाना को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अपर गोंडवाना में मुख्य रूप से टिल्लोफाइलम नामक फ्लोरा पाया जाता है, जिसमें कॉनिफर्स साइकेट्स जैसे प्लांट फॉसिल मिलते हैं। और अपर गोंडवाना की यदि हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है। लिथोलॉजी ऑफ गोंडवाना सुपर ग्रुप, गोंडवाना सुपर ग्रुप की हम लिथोलॉजी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से गोंडवाना सुपर ग्रुप दो डिवीजन हैं, लोअर गोंडवाना और अपर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना में मुख्य रूप से तीन ग्रुप होते हैं, तालचीर ग्रुप, दामोदर ग्रुप और पंचेत ग्रुप। तालचीर ग्रुप
को मुख्य रूप से तीन फॉर्मेशन में विभक्त किया गया है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सबसे नीचे बोल्डर बेड, नेक्स्ट तालचीर, फिर रिक्वा फॉर्मेशन। इसके ऊपर आते हैं दामोदर ग्रुप। दामोदर ग्रुप में देखते हैं करहरबारी, बराकर, बैरन मेसर और रानीगंज जैसे फॉर्मेशन आते हैं। नेक्स्ट होता है पंचेत। पंचेत फॉर्मेशन एक ही फॉर्मेशन है। इसके बाद लोअर गोंडवाना को अपर गोंडवाना से यदि देखा जाए तो एक अनकन्फर्मिटी के द्वारा सेपरेट किया गया है। इसमें लिथोलॉजी की यदि हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की लिथोलॉजी पाई जाती है, जैसे कि हम देखते हैं बोल्डर बेड फॉर्मेशन, इसमें बोल्डर बेड पाई जाती है। तालचीर में यदि हम देखते हैं तो ग्रीनिश सेल प्रकार की लिथोलॉजी पाई जाती है। रिक्वा फॉर्मेशन में सैंडस्टोन पाया जाता है। जैसे ही हम तालचीर से दामोदा में जाते हैं तो उसकी लिथोलॉजी चेंज हो जाती है, क्योंकि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी चेंज हो रही है। तालचीर ग्रुप में यदि हम देखते हैं तो ग्लेशियल क्लाइमेटिक कंडीशन है, जिसके कारण बोल्डर बेड, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दामोदर ग्रुप में यदि हम जाते हैं तो दामोदर ग्रुप की लिथोलॉजी चेंज हो जाती है। ये दामोदर ग्रुप को एक प्रकार से ऐसे कहें कि कोल का ये स्टोर हाउस कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा कोल जो होता है पूरे लोअर गोंडवाना में, दामोदर ग्रुप में सबसे ज़्यादा कोल पाया जाता है, जो कि बिटुमिनस वेराइटी का होता है। करहरबारी फॉर्मेशन की यदि हम लिथोलॉजी देखते हैं तो सैंडस्टोन, ग्रेट, कोल सीम, ये चीज़ें इसकी लिथोलॉजी पाई जाती है। बराकर फॉर्मेशन की बात करें तो सैंडस्टोन सेल, कोल सीम आदि पाई जाती हैं। बैरन मेसन फॉर्मेशन में जैसे ही हम आते हैं तो वहाँ पर कोल सीम नहीं मिलती हैं, वहाँ पर सैंडस्टोन, आयरन स्टोन सेल पाई जाती है। नेक्स्ट रानीगंज फॉर्मेशन सैंडस्टोन सेल और कोलसीम से मिलकर बना हुआ फॉर्मेशन है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो पूरा जो है दामोदर ग्रुप कंप्लीट हो जाता है। उसकी लिथोलॉजी तालचीर ग्रुप से डिफरेंट है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंट है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पंचेत फॉर्मेशन। पंचेत फॉर्मेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसकी जो लिथोलॉजी है ब्राउन सेल और सैंडस्टोन पाया जाता है, और लोअर गोंडवाना अपर गोंडवाना से अनकन्फर्मिटी के द्वारा क्या है सेपरेट किया गया है। अपर गोंडवाना डिवीजन की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से महादेव ग्रुप, राजमहल और जबलपुर, मुख्य रूप से तीन ही ग्रुप इसमें पाए जाते हैं। महादेव ग्रुप के अंतर्गत दो फार्मेशन आते हैं, मलेरी फार्मेशन और पचमढ़ी फार्मेशन। पचमढ़ी फार्मेशन में रेड सैंडस्टोन किले टाइप की लिथोलॉजी पाई जाती है। मलेरी फार्मेशन में रेड किले और सैंडस्टोन पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मेशन होता है जो कि महादेव ग्रुप के ऊपर ओवरलाइन करता है वो राजमहल ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत दो फॉर्मेशन होते हैं, राजमहल फॉर्मेशन और कोटा फॉर्मेशन। राजमहल फॉर्मेशन जो कि बेसाल्टिक लावा फ्लो पाया जाता है, और इसमें जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं उसके अंदर बेसाल्टिक लावा फिल हो जाता है, जिससे इंटरटेपियन बेड का निर्माण होता है। कोटा फॉर्मेशन सैंडस्टोन, ग्रेट और कोलसीम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राजमहल जो कि हमने देखा कि वो महादेव ग्रुप के ऊपर ओवरलाइन कर रहा था। जबलपुर ग्रुप जो है वह है राजमहल के ऊपर ओवरलाइन कर रहा है। जबलपुर ग्रुप में मुख्य रूप से तीन फॉर्मेशन होते हैं, चौगुन फॉर्मेशन, जबलपुर फॉर्मेशन और उमिया फॉर्मेशन। चौगुन की लिथोलॉजी की यदि हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से किले सैंडस्टोन पाया जाता है। जबलपुर फॉर्मेशन में किले सैंडस्टोन पाया जाता है। उमिया फॉर्मेशन में मुख्य रूप से सैंडस्टोन और सेल टाइप्स की लिथोलॉजी पाई जाती है। उमिया फॉर्मेशन जो कि अपर गोंडवाना का सबसे ऊपर वाला फॉर्मेशन होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ गोंडवाना सुपर ग्रुप। गोंडवाना सुपर ग्रुप का आर्थिक महत्व, जैसे कि देखते हैं कोल, हमने देखा लोअर गोंडवाना फॉर्मेशन में बिटुमिनस टाइप्स का कोल मुख्य रूप से पाया जाता है। बिटुमिनस वेराइटी जो होती है वह बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन रीजन में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं कुकिंग और नॉन कुकिंग। जो बिटुमिनस है वह कुकिंग वेराइटी का है, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और कुकिंग कोल एंड स्टीम कोल जो कि बराकर फॉर्मेशन के इक्विवेलेंट होता है। आयरन ओर लोअर गोंडवाना में जो आयरन ओर पाया जाता है वह सैडेराइट आयरन ओर टाइप का डिपॉजिट है। इसमें 35 से 40
प्रतिशत आयरन का परसेंटेज होता है। मुख्य रूप से यदि हम टोटल रिजर्व की बात करें तो 2000 मिलियन टन्स टोटल रिजर्व आयरन ओर का सेडेराइट टाइप्स का पाया जाता है। क्ले, गोंडवाना सुपर ग्रुप में डिफरेंट वेराइटी का क्ले पाया जाता है, जिसका मुख्य रूप से उपयोग यदि हम देखते हैं तो सिरेमिक इंडस्ट्री में इसका मुख्य उपयोग है। बोल्डर सैंडस्टोन, बोल्डर सैंडस्टोन जो कि गुड क्वालिटी का सैंडस्टोन पूरे फार्मेशन में पाया जाता है, जिसमें मुख्य फार्मेशन पचमढ़ी, रानीगंज, बराकर फार्मेशन में गुड क्वालिटी का सैंडस्टोन होता है, जिसका मुख्य रूप से जो उपयोग है या बिल्डिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है। थैंक यू।